गजब खुदा का रूही, तेरा चेहरा तो गुस्से से सुर्ख हो रहा है। एक तो भाई तुम और तुम्हारी अम्मा के झगड़े हैं ना, ये तो तुम्हारे रुखसत होने के बाद ही खत्म होंगे मुझे लगता है। अम्मा से गुस्सा नहीं हूँ मैं। तो फिर किस पर है बीबी, है कोई? अच्छा, अब मुझसे भी छुपाएगी तू? बंगले नहीं गई आज? नहीं जाना मुझे वहां। हाय अल्लाह, कल तक तो तुझे हर वक्त बंगले जाने का भूत सवार रहता था, अब किससे नाराजगी हो गई? तुझे क्यों बताऊंगी? कोई तो बात है रूही, बड़ी बदले बदले तेवर लग रहे हैं मुझे तेरे। बात सुन मेरी, तू ये साहब लोगों के झांसे में ना आ जाना। तू जानती नहीं है इन लोगों को, इनके नजदीक ना गरीब की बेटी के दिल की कोई कीमत नहीं होती। हाँ तो तुझे किसने कहा है कि मैंने अपना दिल बराए फरोख लगा रखा है कि कोई भी उसकी कीमत लगा देगा? रूही के दिल पर ना सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है। अच्छा खैर छोड़ तू इन बातों को, तुझे पता है मैं क्यों आई थी? अम्मी जान की तबीयत ठीक हो गई है और उसी खुशी में पुलाव बना रहे हम अल्लाह के नाम का। कुछ भी नहीं खाना है तूने, तेरे लिए भी लेके आऊंगी। खुद ही खा लेना। हाय ना खा तू, मैं तो खाऊंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद मेरे घर पे पुलाव बना है।